क्या हाल चाल है आप सबको। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे अल्लाह के फजलो करम से। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो मैं रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है काले मसूर, और जिसे काले मसर भी कहते हैं और काली दाल भी कहा जाता है। और साथ इसके मैं बनाऊंगी हरी चटनी। पहले मैं आपको बताऊंगी हरी चटनी की रेसिपी, फिर मैं आपको बताऊंगी काले मसर की रेसिपी जो कि मैं बनाती हूँ। तो तब तक बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। ईजी और आसान रेसिपी को लास्ट तक लाजमी देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलें तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। हाँ जी, तो मैं बना रही हूँ दाल जैसे कि मैंने बताया है, और साथ में पुदीने और धनिया की चटनी। ये मैंने छोटी प्याज ली है, ठीक है, और 5-6 जवे हैं। आधी गड्डी मैंने पुदीने की ली है और आधी ही गड्डी मैंने दी है धनिए की, ठीक है। और इसके अंदर मैंने 4 से 5 डाली हैं हरी मिर्चें, और ये मैं अब बीच में इसके डाल देती हूँ इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, हाँ जी व्यूअर, अब मैं इसे ग्राइंड कर रही हूँ, ठीक है। जब ये पूरी तरीके से ग्राइंड हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी, और एंड में मैं शामिल करती हूँ। हर बंदे के बनाने का अलग अलग तरीका है, और मैं इसके अंदर एंड में सिरका ऐड करती हूँ। जब मैं सिरका ऐड करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी व्यूअर, ये देखें, अगर आपको नज़र आ रहा हो, मैं थोड़ा रोशनी में करके दिखा देती हूँ। ये देखें, इसके अंदर ये इस तरीके से जब ये स्टेज पर ग्राइंड हो जाएगा ना, तो फिर मैं इसके अंदर डालती हूँ नमक, ठीक है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, ठीक है, उसकी कोई वो नहीं है। तो मैंने ज़रा इतना डाला है, यानी कि 1/2 टेबल स्पून डाल दिया मैंने, और सिरका मैं डाल रही हूँ इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून बस। ऑप्शनल है, आपके पास अगर अनारदाना है अनारदाना भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। और अब ये मैं इसको सिर्फ ज़रा सा ब्लेंड करूँगी ताकि नमक इसमें आप, ये देखें, अभी बहुत ही अच्छी सी चटनी मेरी एक पूरी ये बॉटल जैम की जो होती है ये फुल हो गई है, ठीक है। और अब बाकी रेसिपी की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आज मैं काले मसर बना रही हूँ। सबके बनाने का तरीका अलग अलग होता है, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ अपना तरीका शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। ये अभी मैं इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ, ये देखिए, ये मैंने ऑयल डाल दिया। इसके बाद मैंने ये हरी मिर्ची और लहसुन तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसको मैंने इस तरीके से पीस लिया है कुंडी में। इसको मैं अब तड़के के तौर पे फ्राई करूंगी। ये इस तरीके से बहुत ही बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा फ्राई हो जाएगा। फिर इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे। ये नहीं कि मैं बाद में तड़का नहीं लगाती, तड़का बाद में भी लगाती हूँ, लेकिन इस तरीके से बनाएं तो ये बहुत ही मज़े की बनती है, ठीक है। ये देखें, बहुत ही अच्छा इसमें फ्राई हो रहा है। बस ये थोड़ा सा और फ्राई हो जाए, आप फ्राई करके देखिएगा। इस तरीके से अगर आप तड़का लगा के देखते हैं तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। और दाल मैंने तकरीबन, ये देखें, काले मसर धो के और 1/2 घंटा भिगोई है। भिगोने के बाद मैंने इसको इस तरीके से साफ़ करके रख लिया, और ये तकरीबन मैंने ली है 1 kg। और साथ ही अब मैं ज़ीरा डाल दूँगी इसमें। लहसुन थोड़ा थोड़ा, आपको पता है कि ज़रा सी ज़्यादा देर हो तो लहसुन ऐसे ना नीचे हल्का हल्का लगना शुरू हो जाता है, बस ये थोड़ा सा और हो जाए।
ब्राउन सा थोड़ा सा हो जाए, फिर इसके बाद मैं इसके अंदर पानी डालूंगी और पानी के साथ फिर इसके अंदर मैं मसाले डालूंगी, ऐड करूंगी और फिर मैं दाल डालूंगी। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये नीचे लगना शुरू हो गया इसे, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ऐसे डाल रही हूँ, ये देखें, तकरीबन मैंने ये वाला अंदाजे से पानी मैंने इसमें डाला है फ़िलहाल तो भी, ठीक है। ये ज़रा इसमें बॉईल आ जाए, मैं इसमें मसाला ऐड कर दूँ, ठीक है। एक टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, सॉरी थोड़ा सा, हाँ वन टेबल स्पून डाला है, और ये थोड़ा सा और हाफ टेबल स्पून से कम मैंने इसके अंदर हरी मिर्च डाल दी, सॉरी पिसी मिर्च डाल दी, आज क्या हो रहा है मुझे। इसमें एक बॉईल आएगा, बॉईल आएगा फिर मैं इसके अंदर दाल ऐड कर दूंगी। और इमली मैंने अपनी भिगो दी है, जो मेरी हांडी में यूज़ होनी है उसको मैंने कप में भिगो दिया, थोड़ी सी ली है मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं खाना चाहिए, तो वो मैं इसमें एंड में बिल्कुल जब ये तैयार हो जाएगी, तड़का भी दोबारा लगा लूँगी, तो फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। मैंने एक कनौर का क्यूब की ना एक ये डाला है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल और इजी रेसिपी है, ठीक है। ये रेसिपी जो बच्चियाँ नई उन्होंने सीखना शुरू किया है और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए है। मैंने आप लोगों से एक बात शेयर ही नहीं की, मैंने दो वीडियोस बनाई थी, ठीक है, तो वो दोनों ही मुझसे पता नहीं कैसे डिलीट हो गई, तो अब मैं जब वो दोबारा बनाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। बस थोड़ा सा रह के इसमें बॉईल आ जाए, फिर मैं इसमें दाल डालती हूँ और इसको प्रेशर लगा देंगे। ये देखें व्यूअर्स, इस स्टेज पे ना अब आपको नज़र आ रहा होगा इस तरीके से ये बॉईल आ रहा है, तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा इस मसाले को नहीं हमने पकाना, ठीक है, तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो बस अब मैं इसको कुकर लगा देती हूँ और 10 से 15 मिनट का मैं इसमें प्रेशर लगाऊंगी, तब तक ये दाल गल जाएगी। और जिस वक्त मैं तड़का लगाने लगूंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है, और तड़का मैं किस तरीके से लगाती हूँ वो भी दिखाती हूँ आपको, तो तब तक बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। ये देखें व्यूअर्स, ये तैयार हो गई है मेरी दाल, तो इसमें ज़रा सा बॉयल आ रहा है, थोड़ी सी हल्की सी कसर थी, तो मैंने कसर तो खैर नहीं थी, वो कुकर में हो गई थी, तो मैंने कहा ये थोड़ी सी जब तक मैं तड़का लगा रही हूँ तो उसमें थोड़ा सा और ये पक जाए, ठीक है। अब तड़के के लिए मैंने ली है ये हरी मिर्च ली है 4 अदद, लहसुन मैंने पहले भी डाला है तो इसलिए लहसुन मैंने कम ही 4 से 5 जवे लिए हैं। ज़ीरा डालूँगी 1/2 टेबल स्पून। ये देखें तड़के के लिए ऑयल डाल रही हूँ, क्योंकि जहर से बात है तड़के में ऑयल ज़्यादा लगेगा डलेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा इसमें डालूँगी। ये देखें अब ये थोड़ा गर्म हो जाए ना, फिर इसके अंदर मैं डालूंगी लहसुन। साथ साथ हम दाल को भी देखते जाएं। चलो
इसमें फ्राई हो रहा है उतनी देर, ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए फिर इसके अंदर हम डालेंगे ज़ीरा। ये देखो ये ब्राउन हो गए, ये आपको नज़र अगर आ रहा है तो ठीक है। एक्चुअली मैं लाइट एक और जो है वो ऑन कर ली थी लेकिन इस वक्त लाइट चली गई है, अचानक ही जाती तो है नहीं। ज़ीरा मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। हाँ ज़रा सी हल्की कर लेंगे क्योंकि हमें मिर्चें भी डालनी है इसमें, ये हल्की सी से ज़्यादा नहीं फ्राई करनी क्योंकि ये फिर उछल के गिरेंगी। बस ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब ये हम इसमें लगा रहे हैं तड़का। ये जो आवाज़ आती है ना तड़के की, ये बहुत ही अच्छी होती है और मुझे तो बड़ी पसंद है ये आवाज़। किस किस को ये आवाज़ पसंद है बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये देखिए ये आवाज़ शर शर की जो आती है ना, आप इसे चाहें तो बॉयल राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, तो मैं तो उस वक्त इसको रोटी के साथ सर्व करूँगी, ठीक है। ये देखें अभी हमारा तड़का लग गया। अब इसमें हम इस स्टेज के ऊपर अब हम डाल देंगे इसके ऊपर इमली। हाँ जी व्यूवर्स, ये देखें ये इस तरीके से उबाला आ रहा है। ये मैंने इमली का पल्प इस तरीके से निकाले थे, गिटके सब हटा दिए और अब मैं इसके अंदर इस तरीके से ये मिक्स कर दूँगी, ठीक है। और अब इसको हम ज़रा सा ऐसे हिलाएंगे, ये हाँ जी व्यूवर्स, तो अब ये मेरी दाल बिल्कुल रेडी है जो मैंने बनाई है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। एक और रेसिपी आपके साथ लेके ज़रूर हाजिर होंगी, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।